जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी भाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। फाइनली भाई हमारी रेलवे एनटीपीसी बिगनर टू एडवांस न्यू टारगेट सीरीज आज से स्टार्ट हो गई है। आज आपको बताऊंगी आपको 18 सितंबर का आपका टारगेट यहाँ पे क्या रहने वाला है। इसी तरीके से डेली आपको 9:45 आपको ये वीडियो मिलेगी। आपको मैं अगले दिन का टारगेट बताऊंगा कि आपको अगले दिन मैथ, रीजनिंग, साइंस और आपको जीके में कौन कौन से आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ने हैं। बस आपको अपना पूरा फोकस इन टॉपिक में बना के रखना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, मैथ्स का कितना बड़ा सिलेबस, रीजनिंग का कितना बड़ा सिलेबस, जीके में इतना सारा है, साइंस में इतना सारा है, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बस आपको ये देखना है कि आपका 18 सितंबर का जो मैंने आपको टारगेट दिया है कि ये पूरा आप पूरे दिन में इसको कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इसी तरीके से पूरा का पूरा अपन 45 दिनों में इसी तरीके से अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। 9:45 आपको ये वीडियो मिलेगी और आपको प्रॉपर अगले दिन का आपको मैं टारगेट यहां पे दूंगा। स्पेशली यहां पे कुछ यहां पे डाउट भी लिया हूं आपके कि इनको आपको पढ़ना कैसे, कहां से पढ़ना, आपको यहां पे ग्रुप्स वगैरह कैसे मिलेगा, पूरा सिलेबस आपको कहां मिलेगा, वन बाय वन एक एक पॉइंट को यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। आज की थोड़ी सी वीडियो आपको लॉन्ग हो सकती है, लगभग 10 से 15 मिनट की, बल्कि आपको डेली जो वीडियो आपको दूंगा मैं 5 मिनट के आपके अंदर की वीडियो रखिए, आपको 5 मिनट, 4 से 5 मिनट की आपको वीडियो दूंगा और उसी वीडियो में आपको प्रॉपर डेली बताऊंगा कि आपको अगले दिन कौन से टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आई होप कि आपने सभी ने प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। मैं आपको भाई एक ही बात बोलूंगा, अगर आपको थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपको 99 रुपीज़ को, तो भाई इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप सभी को ये भी पता है आपको फ्री में तो अवेलेबल बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। आपको यहाँ पे यूट्यूब में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी आपके पास पीडीएफ होंगी होंगी, पर दोस्तों कहीं ना कहीं आप वहाँ पे सीरियस रहते हो कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे अमाउंट होता नहीं है 99 रुपीज़। आप उस छोटे से अमाउंट से अपनी स्टडी को कंसिस्टेंस रख सकते हैं, डिसिप्लिन में रह के प्रॉपरली यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसकी मैंने प्रॉपर डेमो वीडियो आपको मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया, जो कि जिसमें आपको मैंने प्रॉपरली पूरा बताया कि आपको मैं टारगेट कैसे दूंगा, आपको मैं नोट्स कैसे दूंगा, कैसे नोट्स हैं, कैसे कहाँ मिलेंगे, सभी चीज़ें भाई उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो पर बात कर लीजिए आपको यहाँ पे डे वन में आपको कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे कुछ डाउट भी लिए इसको मैं लास्ट में आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आपको मैथ्स में कौन सा टॉपिक यहाँ पे कल कवर करना है। मैथ्स की बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको मैथ्स यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड, एक आपका अर्थमेटिक है और एक आपको यहाँ पे एडवांस पढ़ना पड़ेगा। सबको मिला के लगभग आपके 30 से 35 आपके यहाँ पे टॉपिक बनते हैं। इन सभी टॉपिक को अपन यहाँ पे प्रॉपरली खत्म करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे रीजनिंग में लगभग 50 टॉपिक पढ़ने होते हैं, जिनको अपन इसी प्रॉपर सीरीज में भाई इसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। साइंस की बात करूँ तो लगभग आपको यहाँ पे 25 से 30 टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, ठीक है। ये सभी टॉपिक आपको मैं प्रॉपरली भाई वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। छोटी छोटी वीडियो रहेंगी लगभग 5-5 मिनट की, तो उसको आप जाके देख लेना। अगर इस वीडियो में उसको कवर करूँगा तो भाई काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, उसको मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। एक पूरी पूरी आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगा कि आपको हिस्ट्री का टॉपिक क्या है, आपकी पॉलिटी के टॉपिक कौन कौन से, क्या आपका यहाँ पे साइंस हो गया, आपका मैथ, रीजनिंग, प्रॉपरली सभी के मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दूंगा। तो उनको जाके सभी लोग नोट डाउन कर लेना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा भाई, आपको प्रॉपरली ऐसे पेज में आपको पूरा मैथ का सिलेबस नोट करना है, यहाँ पे आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस नोट करना है, आपको जीके का एक एक टॉपिक आपको नोट करना है। एक ऐसा भाई रहेगा कि आपके एक माइंड में एक समरी तैयार हो जाएगी, कम से कम आपको ये टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको थोड़ा सा टॉपिक समझ में आएगा कि भाई कहाँ से किस तरीके से पढ़ना है, तो आप आराम से चीज़ों को डील कर पाओगे और पूरे पूरे सिलेबस को आसानी से भाई यहाँ पे कवर कर पाओगे, ठीक है। सीधा फंडा ये भाई आपको माइंड से, यहाँ पे आपको माइंड सेट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा डील करके एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पूरे पूरे सिलेबस को एग्जाम के पहले आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। आज आपकी बात करूँ तो आपको यहाँ पे पूरा मैंने आपको तैयार करके ला दिया भाई। मैथ्स में आपको यहाँ पे प्रतिशत वाले टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रतिशत आपको यहाँ पे तैयार करना, आज स्टार्ट करना प्रतिशत को, ठीक है। लगभग ये अपना टॉपिक 2 से 3 दिन यहाँ पे चलने वाला है। साथ ही दोस्तों मैथ्स की बात करूँ तो आपको डेली बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं, बेसिक कैलकुलेशन में जरूर से आपको ध्यान देना है। अभी के जो एग्जाम आ रहे हैं भाई, सभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। तो डेली आपको अभी के लगभग एक वीक की बात कर रहा हूँ, आपको 40 तक के आपको टेबल डेली रिवाइज करने हैं, ठीक है। आपको 20 तक के क्यूब आपको डेली यहाँ पे रीड करने हैं और 30 तक के आपको इसको डेली रीड करने हैं। आप इनको भाई डेली पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी और आपकी मैथ्स की स्पीड बढ़ाने में भी आपकी काफी बड़ा इनका योगदान आपका रहने वाला है। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का आपका जो डे वन का टॉपिक है आपको यहां पे कोडिंग डिकोडिंग कवर करना है, कोडिंग डिकोडिंग वाला ये टॉपिक आपको यहां पे कवर करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं साइंस की, तो साइंस आपके 3 पार्ट में है, डिवाइड है आपका, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया आपका, यहाँ पे बायो हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे दूंगा। थोड़ा सा भाई वीडियो को प्रॉपर देखें, एक एक चीज़ों को समझें और पेपर पेन लेके भाई जरूर से आप बैठ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यहाँ पे कवर करना होता है। अभी अपन बायो स्किप करेंगे, केमिस्ट्री स्किप करेंगे, स्टार्टिंग में पूरे यहाँ पे फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भाई ये जो मैंने आपको वेटेज रखा है, सबसे आपके रेलवे में इसके क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, फिर आपके बायो के आते हैं, फिर आपके लास्ट में केमिस्ट्री का वेटेज रहता है।
रहता है। अगर बात करूँ एनटीपीसी की तो एनटीपीसी आपका सीबीटी 2 की अगर बात करूँ यहाँ पे 50 नंबर का आपका वेटेज रहता है। लगभग आपके 10 से 12 नंबर की आपकी साइंस यहाँ पे 100% आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर 12 नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लगभग 5 क्वेश्चन आपके इसके 5 से 6 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बायो के देखने को मिल जाएंगे। जो आपके बचे क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप बोल सकते हो आपके यहाँ पे केमिस्ट्री के देखने को मिल जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन नंबर एक दो नंबर यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, पर यही वेटेज आपका एनटीपीसी एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिजिक्स में कंप्लीट करना है। आज आपको यहाँ पे ध्वनि वाला साउंड वाला टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करना है, ध्वनि। ठीक है, साउंड वाला ये टॉपिक आपका रहने वाला है। ठीक है, इसको आपको प्रॉपरली कवर करना है। बात करते हैं जीके की, तो आपको यहाँ पे इतिहास और यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटी को अभी लेके चलना है साथ में। ठीक है, इनका एक अपन कॉम्बिनेशन बना के इसको अपन कवर करेंगे। जैसे कि अपन ने पहले यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी का एक कॉम्बिनेशन बना लिया, फिर ज्योग्राफी आपका इकोनॉमिक का अपन बना लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, फिर आपका स्टैटिक जीके, और फिर यहाँ पे अपन करंट अफेयर का ऐसे कॉम्बिनेशन बना लेंगे। इसी तरीके से अपन वन बाय वन एक एक दो दो पार्ट को यहाँ पे कवर करते जाएंगे और एग्जाम के पहले काफ़ी चीज़ें आपके यहाँ पे हो जाएगी। तो अपन पहले टारगेट कर रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी को, तो आपको यहाँ पे इतिहास में कवर करना है। यहाँ पे आपके 3 पार्ट होते हैं, आपका प्राचीन इतिहास हो गया। ठीक है, प्राचीन इतिहास आपका हो गया, ये प्रॉपर मैं आपको पूरा सिलेबस भाई प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें आप जाके समझ लीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे मध्यकालीन आपका इतिहास हो गया, फिर आपका यहाँ पे आधुनिक इतिहास हो गया, सभी अपन कवर करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग में कवर करना है मध्यकालीन, प्राचीन इतिहास में आपको कवर करना है प्राचीन भारत के प्रमुख स्रोत आपको यहाँ पे कवर करना है। प्राचीन भारत के प्रमुख स्रोत आपको यहां, प्राचीन भारत के स्रोत आपको यहां पे कवर करना है। ठीक है, स्रोत आपको यहां पे कवर करना, ये आपका डे वन का प्रॉपर आपका ये टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करूं पॉलिटी की, तो आपको यहां पे संविधान का विकास आपको यहां पे कवर करना है। संविधान का विकास आपको यहां पे कवर करना है, संविधान का विकास, क्योंकि भाई यहां से आपके सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये था आपका पूरा का पूरा टारगेट। अब दोस्तों बात ये कर लेती है आपको इनको पढ़ना कैसे, मैं नोट्स आपको कैसे दूंगा और आपको नोट्स किस तरीके से मिलने वाले हैं और उनको आपको पढ़ना कैसे। बात करूं मैथ्स की, तो आपको मैं डेली अपने जो प्राइवेट ग्रुप है भाई उसमें आपको एक बेस्ट लिंक आपको लगा के दूंगा। जैसे मैंने आपको ये टॉपिक पूरा आपको मैं बना के दूंगा, उसके साथ आपकी बेस्ट लिंक जो रहेगी यूट्यूब की, जिससे आपको भाई पढ़ना है, जहाँ से आपके 100% आपका पूरा कंटेंट फंसने की पूरी पूरी संभावना है, आपकी बेस्ट लिंक लगा के दूंगा। इनके आपको मैं प्रॉपर पीडीएफ जो रहेंगी स्पेशल बुक्स की, आपको पीडीएफ के नोट्स आपको मैं बना के दूंगा, पूरी पीडीएफ आपको बना दूंगा। ठीक है, आपके इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आपको लिंक देखना है, आप मतलब वीडियो को प्रॉपरली आपको देखना है और इन पीडीएफ से आपको यहाँ पे प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैंने टाइम टेबल बना के दिया भाई, टाइम टेबल वाली वीडियो को आप जरूर से जाकर देखें। फिर रीजनिंग में आपको सेम ऐसा ही करना, आपको लिंक दूंगा बेस्ट लिंक जो रहेगी ग्रुप में आपको प्रोवाइड करूंगा, और उनकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको मैं दूंगा। आपको यहाँ पे लिंक लगाना है, लिंक से वीडियो देखना, आपको इस प्रैक्टिस आपकी पीडीएफ से आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। ध्वनि वाले टॉपिक की आपको मैं बेस्ट लिंक दूंगा, जो आपका बेस्ट टीचर है भाई साइंस का, जो कि आपका एनटीपीसी में पूरे में से पूरे आपके साइंस फंसाने की यहाँ पे पूरी पूरी भाई क्षमता रखता है, आपको मैं प्रॉपरली उनकी लिंक दूंगा। आप उनकी लिंक से उन वीडियो को प्रॉपरली देखोगे। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स भाई आपका इसी सीरीज में आपका कंप्लीट होने वाला है। बस अपना यहाँ पे आपको 200% आपको देना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप 100% दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पे मुझसे दुगनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एग्जाम के पहले पूरा का पूरा आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनकी आपको लिंक दूंगा बेस्ट, इसकी जो बेस्ट लिंक रहेगी, साथ ही इनके आपको मैं पीडीएफ के नोट्स दूंगा, जो मैंने खुद से अपने हैंड रिटन अपने नोट्स बनाए हैं, वो आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। साउंड चैप्टर मतलब स्पेशली आपके ऐसी पूरी पूरी साइंस के आपको दूंगा, क्योंकि साइंस आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सीधे सीधे आपके पूरे स्कोरिंग आपके ये तीनों टॉपिक है, आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका यहाँ पे साइंस हो गया। अगर आपका यहाँ पे पूरे में से पूरे स्कोर आ जाता भाई, यहाँ पे आप चीजों को मैनेज करके आराम से बहुत अच्छा आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आपको मैं इसके आपके प्रॉपरली आपको अपने हैंड रिटन आपको नोट्स दूंगा और स्पेशल पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है, इन दोनों में से आपको प्रॉपरली कवर करना, और आपके साथ में अपने खुद के नोट्स भी आप बनाते जाना। जो भी आप टॉपिक पढ़ो, अपने प्राचीन भारत के स्रोत पढ़ा, मेरे नोट्स आपने देखे और आपने स्पेशल अपने पीडीएफ देखी, अब एक वन लाइनर अपने नोट्स यहाँ पे तैयार करते जाना। आप यहाँ पे वो चीज़ें लिख रहे हैं जो आपने यहाँ पे समझ में नहीं आ रही, जो आपको यहाँ पे याद नहीं हो रही, इसको आपको अपने हैंड रिटन अपने खुद के नोट्स शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं। इसी तरीके से आप एग्जाम के पहले काफ़ी चीज़ें तैयारी कर पाओगे और बहुत अच्छी चीज़ों को आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पॉलिटी की बात करो, तो इसके भी मैं अपने हैंड रिटन आपको नोट्स दूंगा, स्पेशल बुक्स के आपको पीडीएफ दूंगा, साथ ही आपको इसी तरीके से इसको पढ़ना है। क्योंकि बात करते हैं जीके की, तो ये भाई वो टॉपिक है, आपको इसको रीडिंग मारना पड़ेगा, इसको आपको रीड करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि आपने यूट्यूब में कोई भी सर्च कर लिए, ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो। जीके ऐसा सब्जेक्ट है भाई, इसको कम से कम आपको 2 से 3 बार आपको रीडिंग मारनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा, तब आप एग्जाम में इसको क्लियर कर पाओगे। यहाँ पे आपको वीडियो से काम चल जाए, आपको मैथ्स की वीडियो देखना ही पड़ेगा, आपको रीजनिंग की वीडियो देखना ही पड़ेगा, आपको साइंस की वीडियो देखना ही पड़ेगा। पर जीके में ऐसा मत करना कि आप यहाँ पे वीडियो अपना पूरा पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, बुक्स की यहाँ पे सहायता लेनी है,
और बुक से आप जीके काफी अच्छा तैयार कर लोगे। अरे भाई यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपके यहाँ पे मैं डाउट लेता हूँ कि आपके यहाँ पे जो डाउट निकल रहे हैं, आपको मैंने ये बता दिया कि आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, मैंने आपको प्रॉपरली पूरा बता दिया। टाइम टेबल कैसे बनाना इसकी आपको मैंने पूरी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दिया कि आपको अगर आप जॉब प्लस स्टडी कर रहे हैं तो आपको अपना टाइम टेबल किस तरीके से डिजाइन करना है, अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको अपना टाइम टेबल किस तरीके से डिजाइन करना है। उसके बाद दोस्तों बात करें कोर्स या फिर बुक्स की, अगर आपने कोई कोर्स ले लिया है इससे पहले तो भाई आपको अपने कोर्स से ही इन टॉपिक को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स का आपको परसेंटेज कवर करना है, आपको अपने कोर्स आपने जो भी ले लिया, अगर आपने कोर्स ले लिया है तो भाई उसको आपको कवर करना है। अगर आपके पास ना तो कोई कोर्स है ना तो आपके पास कोई बुक्स है तो आपको मेरी इन लिंक से आपको इस प्रॉपर पूरे टॉपिक को आपको कवर करना है, ठीक है। जो भाई कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो बुक्स नहीं ले पा रहे तो भाई वो प्रॉपरली इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, प्राइवेट ग्रुप को। ओनली 99 रुपीज़ में आपको मैं पूरा का पूरा मटेरियल दूंगा, पूरा बेस्ट लिंक दूंगा, स्पेशल बुक्स की पीडीएफ दूंगा। अगर आप भाई कोई कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, कोई बुक्स नहीं ले पा रहे हैं तो सिंगल ग्रुप से आप काफ़ी अच्छी तरीके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपने कोई कोर्स ले लिया है तो आप उससे कवर कर लेना, आपको जिस टीचर समझ में आ रहा है आप उससे कवर करना। जैसे मैंने आप यहाँ पे मान के चलो मैंने आपको गगन सर या फिर आदित्य रंजन सर या फिर साहिल सर की मैंने आपको लिंक दिया, आपको यहाँ पे इन सर से समझ में नहीं आ रहा, आपको परसेंटेज किसी और सर से समझ में आता है तो आपको डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च करना है परसेंटेज बाय आपके जो फेवरेट टीचर हैं उनसे आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। मेरा काम प्रॉपर ये रहेगा, आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपको ये टॉपिक डे वन में 18 सितंबर को आपको कंप्लीट करने हैं। आपको 18 सितंबर के पहले भाई ये सभी टॉपिक आपके कंप्लीट होना ही चाहिए। अब ये बात आती है, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से, या तो आप यहाँ से कवर कर लो, या तो आपके पास जो कोर्स है वहाँ से आप कवर कर लो, या तो आपको जहाँ से लगे वहाँ से कवर कर लो, पर ये टॉपिक आपको कवर करना ही करना है। अगर आपने ये ठान लिया कि भाई अगर आपका टारगेट ऐसे टाइम पर अगर आपका टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है तो आप एग्जाम के पहले काफ़ी अच्छी तरीके आपके यहाँ पर 100% भाई हो जाएगी, ठीक है। कोर्स बुक आपको बता दिया, बुक्स की बात करूं तो कम से कम एक बुक आपको बता रहा हूं, आप कम से कम भाई लूसेंट की बुक तो भाई ले ही लेना। लूसेंट की बुक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, अगर ले पा रहे तो भाई तो भी उससे बड़ी उससे भी और अच्छी बात है, ठीक है। अगर बुक नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा पूरी बुक्स की। उसके बाद दोस्तों एक बुक आपको यहाँ पे लूसेंट की लेनी है, अगर ले सको तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैं आपको साइंस की एस के झसर की आपको बुक ले सको तो ले लेना, एस के झसर की, ठीक है, इसको बुक ले लेना। इनकी लिंक आपको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हैं, ले सकते हो तो भाई ले लेना। पर पीडीएफ से कहीं ना कहीं पढ़ना आँखों को खराब भी करना होता है, तो पढ़ो तो भाई चश्मे वगैरह का यूज़ करना, ज़्यादा मोबाइल में भाई अपने आँखों को मतलब गड़ा के रखना, क्योंकि पता चला भाई 8-8, 10-10 घंटे आप क्लास ही देख रहे हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका आइस टेस्ट भी आपका यहाँ पे एनटीपीसी में होने वाला, आपका स्टेशन मास्टर हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, यहाँ पे आपका आइस का अच्छा लेवल का आपका टेस्ट होगा, तो आपको अपनी आँखों को मेडिकल वगैरह आपको सबको यहाँ पे बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं प्रॉपरली बता दिया हूँ, बुक्स बता दिया, इनकी लिंक आपको दूंगा, इनकी स्पेशल आपकी बुक्स अगर ले सको तो भाई ले लेना, बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं लेना है मात्र यहाँ पे 99 रुपीज़ पे करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको सब कुछ मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये आपका प्राइवेट ग्रुप हो गया, आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ पे करके इस प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसकी पूरी फैसिलिटीज आपको मैंने इसमें बता दी, इस पिक को आप देख सकते हैं, या फिर आप डे वन की वीडियो देखें, आपको मैंने एक एक बातों को समझा कि आपको प्राइवेट ग्रुप में क्या क्या मिलेगा, कैसे आपको मैं पर्सनली गाइड करूँगा, कैसे आपको पूरे 45 दिन में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आपका छोटा सा भी डाउट हो तो भाई इस वीडियो को जाके जरूर से देखें, उसकी लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बात आती है कि आपको सिलेबस कहाँ मिलेगा, आपको मैं आज या कल में दोस्तों प्रॉपरली पूरा का पूरा सिलेबस मैथ रीजनिंग जीके साइंस वगैरह आपका जितने भी आपकी सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर वगैरह स्टैटिक जीके सभी की आपके टॉपिक वाइज इसी तरीके से आपको बना के आपको मैं छोटी छोटी 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको प्रॉपर ये वीडियो को देखना है, पूरा सिलेबस को समझना है कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया तो आप अच्छे से भाई तैयारी कर पाओगे और आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला। तो आई थिंक दोस्तों आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आपके कोई भी यहाँ पे डाउट निकल रहा है लास्ट में आप उसको जरूर से कमेंट करिएगा। आप सभी टारगेट आपको कंप्लीट करने हैं और हर दिन आपको यहाँ पे टारगेट, जैसे आपका 18 सितंबर में टारगेट कंप्लीट हो गया तो आपको जरूर से भाई कमेंट करके ये बताना कि आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है और मैं प्रॉपरली अगले दिन के टारगेट के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। बिल्कुल भाई कंसिस्टेंसी बना के रखना, आपका एग्जाम जो निकलेगा आपकी कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन रही तो ही आपका यहाँ पे एग्जाम निकलने वाला है। अगर आप ऐसा मत करना कि आज आपने 12 घंटे पढ़ लिए जोश जोश में, कल आप 6 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे, परसों आप 8 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी बना के रखना, 6 घंटे तो 6 घंटे, 8 घंटे तो 8 घंटे, स्टार्टिंग में अगर आपकी सेटिंग नहीं निकली तो लगभग एक हफ्ते यहाँ पे 6 घंटे निकाल के देखो, सुबह के 3 घंटे निकालिए, रात में 3 घंटे निकालिए, फिर प्रॉपरली थोड़ा सा यहाँ पे अपनी सेटिंग को बढ़ाओ, 7 घंटे होगा 8 घंटे हो, एग्जाम तक आपको कम से कम 12 घंटे की यहाँ पे सेटिंग निकालना पड़ेगा, तब जाके भाई आप बहुत अच्छे यहाँ पे स्कोर कर पाओगे, ठीक है।
तो ये था भाई पूरा का पूरा टारगेट। आई होप कि मैंने प्रॉपर यहाँ पे पूरा पूरा आपको समझा दिया हूँ। फिर आपके यहाँ पे कोई डाउट निकल रहा है उसको लास्ट में आप जरूर से कमेंट करिएगा। और दोस्तों ये सभी ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लेना, आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा शेडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से, आपको मेरा प्राइवेट ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, आपको मैं अपने PDF नोट्स दूंगा, आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मात्र यहाँ पे 99 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको भाई इसको ज्वाइन करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके प्रॉपरली भाई यहाँ पे 99 रुपीज़ का पे करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो और कौन कौन भाई सीरीज को फॉलो करने के लिए तैयार है जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।